इंदौर में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर का है, जहां अपने भांजे के घर जा रहे युवक पर दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला देर रात परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर चौराहे पर दिलीप परेता अपने भांजे के घर किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान दो अज्ञात बाइक सवार नशेड़ी बदमाशों ने उसे रोका और चाकू से हमला कर दिया, जिससे दिलीप गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल दिलीप को 108 की मदद से उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उम्र 45 साल, निवासी पिपल की चाल पानी का भट्टा इंदौर। ये इसके भांजे घर जा रहा था, ये नितिन पिता सुनील भाटे 11/5 प्रदेश पूरा इंदौर। वहाँ जाके इसने इसके भांजे को बताया कि किसी दो व्यक्ति ने मोटरसाइकिल जा रहे पिता को मार दिया। क्या कंडीशन है अभी घायल? अभी तो ऑक्सीजन पे है, इलाज चल रहा है। क्या करता था ये? रिपोर्ट में मूंगफली बेचता था। आपका पूरा नाम बता दो। SITR जवान थाना प्रदेश।